द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुन्नू रहमान। दोस्तों, राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो जनता के बीच जाकर जनता की समस्याएं सुनते हैं, उनकी पसंद नापसंद जानते हैं, उनकी परेशानियां सुनते हैं, इसलिए राहुल गांधी को जननायक कहा जाता है। इन दिनों राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर हैं और लद्दाख के दौरे पर भी राहुल गांधी स्थानीय लोगों से खूब अच्छे से घुल मिल रहे हैं, जिसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं। अब एक और वीडियो आ रहा है जिसमें आप राहुल गांधी को लेकर जो लोगों का क्रेज है, जो लोगों की दीवानगी है, उसे आप साफ साफ देख सकते हैं। राहुल गांधी को लेकर लेह लद्दाख के बाजारों में एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोग, जो लोकल्स लोग हैं, वो राहुल गांधी को लेकर अलग अलग नारेबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी को देखकर कह रहे हैं कि शेर आ गया है। कहीं राहुल गांधी को लेकर भारत जोड़ो यात्रा की नारे लग रहे हैं। ये तमाम वीडियोस हैं जो बताते हैं कि लेह लद्दाख में राहुल गांधी का क्रेज जो है वो उफान पर है। लोग राहुल गांधी को देखने के लिए, राहुल गांधी से मिलने के लिए जो है, राहुल गांधी को देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है। आप अपनी स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, ये ट्वीट आयुष सक्सेना का है। यहाँ पर एक वीडियो शेयर करते हैं, वीडियो की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये लिखते हैं कि राहुल गांधी क्रेज इन ले मार्केट। राहुल गांधी का जो क्रेज है वो ले मार्केट में आप देख सकते हैं। राहुल गांधी ले मार्केट जाते हैं और वहां पर लोग जो हैं वो अलग अलग नारेबाजी करने लगते हैं। नीचे लिखा है कि वहां के स्थानीय लोगों ने नारेबाजी की है कि देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। तो इस तरह की नारेबाजी जो है वहां के स्थानीय लोग राहुल गांधी को लेकर कर रहे हैं। राहुल गांधी जहां जाते हैं लोगों को अपना बना लेते हैं, जहां भी वो जाते हैं उनसे मिलने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है, जनसैलाब आ जाता है और लेह लद्दाख में भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। इसी के साथ एक दूसरा ट्वीट देखिए अमित मयंग का। यहाँ पर अंकित मयंग जो है, अंकित मयंग यहाँ पर एक और वीडियो शेयर करते हैं। इस वीडियो में अंकित मयंग कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लद्दाख नहीं जाने पर लद्दाख सांसद ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया। दो हफ्ते बाद पूरे लद्दाख में जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे सुने जा सकते हैं। कहानी का सार ये है कि राहुल गांधी के साथ कभी पंगा ना ले। राहुल गांधी लद्दाख के बाजारों में पहुंचे तो वहां पर शेर आया शेर जैसे नारे लगने लगे, और तो और भारत जोड़ो 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 भारत जोड़ो यात्रा, इस तरह की नारेबाजी होने लगी। आप भी देखिए किस तरह से राहुल गांधी को देखकर ले लद्दाख के लोगों की खुशी किस तरह से उछल रही है, देखिए तस्वीरें। तो इस वीडियो में आपने राहुल गांधी को लेकर लोगों का क्रेज देखा कि राहुल गांधी को लेकर लोगों का क्रेज किस तरह से उफान मार रहा है। लोग भारत जोड़ो यात्रा की भी नारेबाजी कर रहे हैं। लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। तो इस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी की जो छवि है वो किस तरह से लोगों के बीच पहुंच रही है, ये आप साफ देख सकते हैं। वहीं आपको राहुल गांधी के इस लद्दाख दौरे के बारे में बता दें, राहुल गांधी का ये लद्दाख दौरा 25 अगस्त तक रहना है। 25 अगस्त तक राहुल गांधी लेह लद्दाख में रहेंगे और लोगों के साथ जो है उनकी समस्याओं को बांटेंगे, उनकी परेशानी को सुनेंगे। इस बीच राहुल गांधी की सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कभी राहुल गांधी बच्चों के साथ दिखाई देते हैं, कभी बाइक राइडर्स के साथ दिखाई देते हैं, कभी स्थानीय लोगों के साथ दिखाई देते हैं, कभी वो बच्चों के साथ गिटार बजा रहे होते हैं। कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की वायरल हो रही हैं। राहुल गांधी जहां भी जाते हैं लोगों से घुल मिल जाते हैं और लद्दाख में भी वो लोगों से खूब अच्छे से घुल मिल रहे हैं और लोग भी उन्हें खूब पसंद कर रहे हैं। उनका जो स्वागत है वो गर्म जोशी से कर रहे हैं। अब अपनी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर का ये आर्टिकल देख रहे हैं। दैनिक भास्कर के इस आर्टिकल में लिखा है कि राहुल गांधी ने लद्दाख में 264 किलोमीटर बाइक चलाई है, पैंगोंग त्सो लेक से खारदुंग लॉ पहुंचे हैं, लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाई हैं। राहुल गांधी खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से तस्वीरें शेयर करके जो है लेह लद्दाख की तस्वीरें शेयर करके दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो वहां पर लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 25 अगस्त तक लद्दाख के दौरे पर हैं। सोमवार को वो पैंगोंग त्सो लेक बाइक पर राइड कर 264 किलोमीटर दूर खारदुंग लॉ पहुंचे, यहाँ स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाई। आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे होंगे कि राहुल गांधी की अलग अलग तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। राहुल गांधी कहीं भी जाते हैं
तस्वीरें जो सामने आती हैं वो बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें होती हैं। राहुल गांधी कभी बच्चों के साथ दिखाई देते हैं, कभी बाइक राइडर्स के साथ, कभी स्थानीय लोगों के साथ, तो कभी वहां की बुजुर्ग महिलाओं के साथ। इस तरह से तस्वीरें जो हैं वो वायरल होती हैं। राहुल गांधी दो दिन 17-18 अगस्त के दौरे पर लद्दाख गए थे, लेकिन 18 अगस्त को उनका दौरा जो है वो 25 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। शनिवार 19 अगस्त को राहुल गांधी ने लद्दाख से पेंगोंग त्योस लेक तक बाइक राइडिंग की थी। वहीं कांग्रेस नेता ने 20 अगस्त को पेंगोंग त्योसो लेक के किनारे अपने पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी थी। राहुल गांधी 25 अगस्त तक होने वाली 30 सदस्यीय लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद कारगिल चुनाव की बैठक में भी शामिल होंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि राहुल गांधी लद्दाख दौरे पर हैं और इस दौरान कई तस्वीरें, कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें आप राहुल गांधी को लेकर लोगों के अंदर कितना प्यार है, क्या माहौल है, वो साफ साफ देख सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस दौरे को अलग नाम दे रही है, लेकिन आप लोगों के बीच जब राहुल गांधी जाते हैं, जब मार्केट पहुंच रहे हैं, लद्दाख की सड़कों पर घूम रहे हैं, तब लोगों का क्या रिएक्शन है वो आप साफ साफ तस्वीरों में और वीडियोस में देख सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। मैं एक एक करके आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। ये तस्वीर देखिए जिसमें राहुल गांधी ने खारदुंग लॉ पर स्थानीय लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाई। यहाँ पर एक और तस्वीर है जिसमें राहुल गांधी ने एक बच्चे को अपनी बाइक पर बिठा लिया। बच्चा बेहद खुश नजर आ रहा है और स्थानीय लोग भी राहुल गांधी की खिदमत करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए जिसमें लिखा है कि खारदुंग लॉ पर स्थानीय लोगों ने राहुल गांधी का स्वागत किया। लोगों के हाथों में जो है वो गुलदस्ते हैं, साफ आप देख सकते हैं, और राहुल गांधी का वहां के लोग जो है वो गर्म जोशी से स्वागत कर रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये बच्चों के साथ तस्वीर है। बच्चों ने हाथों में जो है वो गिटार ले रखे हैं। राहुल ने बच्चों के साथ भी फोटो क्लिक करवाई है। इस दौरान बच्चों ने उन्हें गिटार बजाकर भी सुनाया। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि राहुल गांधी बच्चे हों, बूढ़े हों, या फिर उनके हम उम्र के लोग हैं या युवा हों, उनके साथ बेहद अच्छे तरीके से जो है वो घुल मिल जाते हैं। इसी के साथ राहुल गांधी ने चीन मामले को लेकर क्या बोला है वो भी आपके सामने रख रहे हैं। चीन मामले को लेकर राहुल गांधी ने यहाँ पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं मोदी सरकार भी राहुल गांधी पर पलटवार कर रही है। राहुल गांधी ने 20 अगस्त को लद्दाख में चीनी घुसपैठ का दावा किया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक इंच भी जमीन नहीं गई, लेकिन यहाँ के लोगों ने मुझे बताया है कि लद्दाख में घुसकर चीन ने उनकी जमीन छीन ली है। इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस ने हिंदी चीनी भाई भाई का माला जपकर भारत माता की धरती से 45,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन को दे दिया, उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तो राहुल गांधी वहां पर लोगों की समस्याएं जान रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और ले लद्दाख में लोगों के बीच जो है वो जननायक बन के उनकी बातें सुन रहे हैं। इसी दौरान आपको बता दें कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को केंद्र शासित बनाए जाने के बाद इस क्षेत्र का उनका ये पहला दौरा है, राहुल गांधी का ये पहला दौरा है। और इसी के साथ राहुल गांधी वहां पर खूब प्यार बटोर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। राहुल गांधी वहां पर बाइक चलाकर पहुंचे, उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई और अब राहुल गांधी की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि लेह के लद्दाख के लोग जो है वो किस तरह से राहुल गांधी को लेकर बहुत ही ज्यादा खुशी से भरे हुए नजर आ रहे हैं। आप राहुल गांधी की इन तस्वीरों को लेकर, जिस तरह से लेह लद्दाख में राहुल गांधी का क्रेज देखने को मिल रहा है, उसे लेकर क्या सोचते हैं, कॉमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। The Life TV, सच सबसे आगे।